क्या आप सीमैट 2022 एग्जाम देना चाहते हैं? गाइज एंड गर्ल्स, आर यू प्लानिंग टू राइट द सीमैट 2022 एग्जाम? अगर ऐसा है तो प्लीज स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ रेलेवेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सीमैट प्रिपरेशन. हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीमैट प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं. My name is Manish Kane and I welcome you all to this session by Pathfinder Education Services. And as I've already told you, this session is about the CMAT 2022 exam. So let us get started with something very, very important and a question which has been asked to me by several students over the years. Ki, sir, CMAT exam kyun dena hai? Why should we take the CMAT exam? To bhai samjho ek baat. Ki every year around 2.5 lakh people take all kinds of MBA entrance exams, chahe wo CAT hai, ZAT hai, IIFT hai, CMAT bhi hai. To sari MBA entrance exams mila ke 2 se 2.5 lakh log har saal MBA entrance exams dete hain. Unfortunately, IIMs mein, IITs mein, Accelerize mein, in sub colleges mein seats limited hai. 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 seats hai. तो अगर आप इन टॉप रैंक्स में आ पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन इन आईएम में हो जाएगा, आईएफटी में हो जाएगा, एक्सएलआरआई में हो जाएगा. बट एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू मेक इट इनटू दिस टॉप रैंक्स. हर किसी के लिए कैट या जेड जैसी रिटन एग्जाम क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं होता है. उसकी वजह है सिर्फ इंटेलिजेंस से जोड़ के ना देखें. एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट स्किल सेट on quantitative aptitude, everybody has a different skill set on reasoning and language. तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे या सिर्फ एक एग्जाम की वजह से आप अपना एम बी ए ड्रीम नहीं छोड़ सकते हैं. क्योंकि कई बार ऐसे लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या मुझे मैनेजमेंट करना भी चाहिए. स्टूडेंट्स आके पूछते हैं मुझसे. तो भाई एक एग्जाम की वजह से अपना एम बी ए ड्रीम मत छोड़ो, दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आप मैनेजमेंट की एक अच्छी डिग्री पा सकते हैं और अंततः एक अच्छा करियर भी पा सकते हैं. तो सीमैट एक ऐसी ही एग्जाम है. भी अगर आप कैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से घबराते हो या डेटा इंटरप्रिटेशन से घबराते हो, अगर आपको जैट की मैथ्स टफ लगती है, आईएफटी की मैथ्स और इंटरप्रिटेशन टफ लगता है, देन सीमैट इज द एग्जाम फॉर समवन लाइक यू. Not because the exam is not tough, but because the competition in this exam is slightly on the lower side. भाई देखो, कई CAT, ZAT, IIFT के toppers CMAT exam लिखते भी नहीं है. उसकी अलग वजह हैं जिनमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ. But they don't write the CMAT exam, and hence the degree of competition in CMAT is slightly lower than the CAT or the IIFT or other similar exams. तो ऐसी सूरत में आप अगर CMAT exam देते हैं तो आपको एक छोटी थोड़ी competition आपके लिए कम होगी. दूसरा reason है या तीसरा reason है, कई leading colleges CMAT का score accept करते हैं. भाई CMAT का score leading colleges भी accept करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो second tier या third tier institutes हैं. जमनालाल बजाज भी CMAT का score accept करता है. सिडनम, सोमाया, पुणे यूनिवर्सिटी एमबी, ये सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. परसेंटाइल्स हर एक के अलग अलग हैं, बट दे डू एक्सेप्ट द सीमैट स्कोर्स. एंड माइंड यू, एन इंस्टीट्यूट लाइक जेबी हैड एन एवरेज सैलरी ऑफ 20 to 22 lakhs दिस ईयर 2021. सो यू कैन जस्ट रेट इट एज गुड एज एनी ऑफ द टॉप आईएम्स, एनी ऑफ द लीडिंग आईएम्स. तो ये तीसरा रीजन है आपको सीमैट देना चाहिए. एक और बहुत बड़ा रीजन है भाई, कैट की तैयारी के लिए साल भर लगता है, सैट की तैयारी के लिए साल भर लगता है, पर सीमैट का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है. आप 3 महीने की तैयारी में भी 99th percentile निकाल सकते हो. आप 2 महीने की तैयारी में भी 99th percentile निकाल सकते हो. और उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो ईजी टू मॉडरेट ही होगा. तो इसलिए कम समय में आप एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं अगर आप एक
क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप CMAT 2022 का एग्जाम देना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट कोर्सेज ऑफर्ड बाय अस। सिंपली आपको एक मैसेज व्हाट्सएप करना है CMAT, ये मैसेज 9343921347 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। आप हमारी वेबसाइट पे भी सारे डिटेल्स देख सकते हैं www.pathfinderforme.com। इस कोर्स में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको CMAT एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी, जैसे लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर्स हैं, GK लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, PDF बुक्स एंड शीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मेंटरशिप होगी और डाउट सेशंस भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको CMAT का एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेंगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। CMAT एग्ज़ाम जो है इसको सबसे पहले AICTE ही कंडक्ट करता आया था। टिल 2018 AICTE वॉज द कंडक्टिंग बॉडी। आफ्टर 2018 NTA, दैट इज़ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हैज़ टेकन ओवर। अब ये एग्ज़ाम NTA ही कंडक्ट करता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में हर साल होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब द CMAT स्कोर्स विल बी एक्सेप्टेड बाय 1000 प्लस बी स्कूल्स इन इंडिया एवरी ईयर। एंड अनदर पॉइंट विच आई हैड मेंशनड ब्रीफली इज द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स। लास्ट ईयर करीब 52,000 पीपल हैड टेकन द CMAT एग्जाम। ऑल्दो रजिस्ट्रेशंस वर मोर, 74,000 आई थिंक सो, बट एक्चुअल टेस्ट टेकर्स वर अराउंड 52,000 अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट। यू कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर नंबर दिस ईयर ऑल्सो। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी फॉर CMAT एग्जाम, सिंपल, वेरी सिंपल क्राइटेरिया, नो एज बार। You must be a citizen of India. You must have at least a 3-year bachelor degree if you want to write the CMAT exam. That is the most basic eligibility criteria. Although the criteria for different institutes can vary, but CMAT eligibility criteria is graduation degree of 3 years. अब देखो कौन कौन से major institutes CMAT score accept करेंगे। जमनालाल बजाज हो गया मुंबई में, KJ सोमाया, वेलिंकर, सिमश्री, NL डालमिया, SIES, ये सारे के सारे मुंबई बेस्ड अच्छे कॉलेजेस हैं जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा पुंबा, ISWBM, KIAMS और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये KIAMS मतलब किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि हरिहर में सिचुएटेड है। तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। परसेंटाइल वेरी करेगा, 70 से लेके 99.99 परसेंटाइल तक कट ऑफ जा सकता है। फॉर एग्जांपल JBIMS का कट ऑफ 99.99 के आसपास ही होगा। अगर आप JBIMS क्रैक करना चाहते हैं और CMAT के थ्रू क्रैक करना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल इतना होना चाहिए अगर आप ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो परसेंटाइल वर्सेस कॉलेजेस, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूँगा। तो परसेंटाइल्स पे अभी हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। आज हमारा फोकस जो होना चाहिए वो CMAT एग्जाम के ऊपर ज़्यादा है। तो अगला जो पॉइंट है वो है CMAT एग्जाम पैटर्न। 4 सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पहला सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग दूसरा सेक्शन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन। हर सेक्शन से यू कैन सी देर आर 25 क्वेश्चंस ईच फॉर 100 मार्क्स। इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको प्लस 4 नंबर मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है टोटल क्वेश्चंस 100 एट द रेट ऑफ 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, देर इज अ 25% नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो आपको एक आंसर माइनस होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको टेस्ट देने के लिए सेंटर पे जाना होगा। तो ये CMAT के एग्जाम सेक्शन का, एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं CMAT एग्जाम के अलग अलग सेक्शंस में आता क्या क्या है। तो बाकी एग्जाम्स की तरह ही
यहाँ पे आपको अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर्स एंड काउंटिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। अरिथमेटिक में परसेंटेज से लेके टाइम एंड डिस्टेंस तक हर चीज़ पूछी जा सकती है। एल्जेब्रा में इक्वेशंस, लॉगरिदम्स, एपीजीपी, इनइक्वालिटीज, कुछ फंक्शंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स, सर्कल्स और लाइन्स एंड एंगल्स हैं। नंबर्स एंड काउंटिंग में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स नंबर थ्योरी से रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अरिथमेटिक को होता है, करीब 40-50% वेटेज अरिथमेटिक को होता है। ये शायद MBA एंट्रेंस एग्जाम में एक नॉर्म सा बनता जा रहा है दैट 40-50% वेटेज विल बी गिवन फॉर अरिथमेटिक। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू विल फाइंड दिस। इसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, रेडियल ग्राफ्स, मिक्स्ड ग्राफ्स, यही सब आएगा। और इसकी जो रीजनिंग है उसमें कुछ भी नया नहीं है, ट्रेडिशनल रीजनिंग होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम नंबर सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, रैंकिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब्स, इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स, एंड फ्यू क्वेश्चंस माइट बी देयर फ्रॉम वर्बल रीजनिंग और जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं उस एरियाज में से भी। पर ट्रेडिशनल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं सीमैट में। नेक्स्ट, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आएगा। पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये ब्रॉडली सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में आमतौर पर करंट अफेयर्स नहीं आता है, स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक्स वेराइड होते हैं एंड स्प्रेड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम होंगे। सो यू कैन हैव क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, यू कैन हैव क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी, यूनाइटेड नेशंस, पॉलिटी, यू कैन हैव क्वेश्चन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो ये सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू हो गया सीमैट एग्जाम के। सो दैट इज ऑल व्हाट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन एन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन द सीमैट 2022 एग्जाम। एक बार फिर, अगर आप सीमैट की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन व्हाट्सएप सीमैट टू दिस नंबर 9343921347 एंड आवर टीम मेंबर्स विल गेट बैक टू यू वेरी क्विकली प्रोवाइडिंग यू विद द डिटेल्स। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज और इफ यू वांट अस टू मेक वीडियोस ऑन स्पेसिफिक एजेंडाज और स्पेसिफिक एरियाज, प्लीज डू लेट अस नो थ्रू योर कॉमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।